बोलिए गंगा मैया की जय। ये सुंदर पावन दृश्य है संगम का। यहाँ पर आप लोग देखिए कि स्पष्ट मिलन हो रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये जमुना जी हैं श्याम वर्ण की और ये धवल वर्ण की गंगा मैया हैं। आप लोग दर्शन करें संगम का। देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। यही दृश्य जब तीर्थराज प्रयाग में श्री भरत जी महाराज ने देखा तो जमुना मैया के श्याम वर्ण को देखकर और गंगा मैया के गौर वर्ण को देखकर उनको भगवान श्री सीता रामचंद्र जी की याद आ गई। आज हम लोग भी संगम के इस सुंदर दृश्य का दर्शन करें और गंगा मैया और जमुना मैया में अपने इष्ट देव भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन करें। आज देखिए पावन पर्व के दिन हम लोग संगम के बिल्कुल मध्य में हैं और यहाँ से हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए ये दृश्य बहुत ही दुर्लभ होता है। स्पष्ट यहाँ पर आपको ये जमुना जी और जमुना जी में ये गंगा जी का मिलन हो रहा है। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि चय चकोर चंदिनी नर नाग विबुध बंदिनी जय जन्नु बालिका। कितना सुंदर यह दृश्य है। ये देखिए जमुना मैया के साथ गंगा मैया का मिलन हो रहा है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ आप सभी के ऊपर गंगा मैया की कृपा बनी रहे। देखिए कैसा स्पष्ट मिलन हो रहा है यहाँ पर जमुना मैया की श्याम धारा में। जमुना मैया की श्याम धारा गंगा मैया की श्वेत धारा में समाहित हो रही है, मानो ये समर्पण का प्रतीक है। गंग अवनि थल तीन बड़े रे। गंगा मैया ने तीन स्थानों को बड़ा किया। हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगमे। हरिद्वार सुलभता का प्रतीक है, प्रयागराज समन्वय का प्रतीक है और गंगा सागर समर्पण का प्रतीक है। तो इससे हमको गंगा मैया ने यह शिक्षा दी कि हम लोग सबके लिए सुलभ हों, हरिद्वार बने। इसके पश्चात हम लोग सबको अपने अंदर आत्मसात करें। प्रयागराज में जैसे गंगा मैया का समर्पण हो रहा है जमुना जी में, ऐसे ही हमारा भी